Hello, my dear students. Hope you all are well. We are continuing with chapter 10, that is ratio and proportion. And today we will do assignment 10.2. In the previous assignment, we have read about ratio. Now, in this assignment, we will read about proportion. What is proportion? आपने रेशियो में पढ़ा था बेटा, टू टर्म्स होती हैं एंड व्हेन देयर इज एन इक्वालिटी साइन बिटवीन टू रेशियोज दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. What is a proportion? Proportion is the equality of two ratios. This is first ratio, this is second ratio. उनके बीच में जब equality का जब वो दोनों की value equal होती है, that is called proportion. And proportion का sign क्या है? Four dots. हम इसको कैसे read करते हैं? As two. Two dots को कैसे read करते थे? Is two. और इसको हम read करते हैं as two. For example, 4 is 200. As two. 12 is 2, 300. This is ratio 1. This is ratio 2. Four dots hai, that is called as 2. Or if in dono ke beech mein equality ka sign hai, that is also depicting a proportion. Okay? Now proportion mein ho gayi 4 terms. Ratio mein hamare paas thi 2 terms. अब इन terms को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम जो last की terms हैं, फोर टर्म्स होगी ना, 1, 2, 3, 4. तो जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स. कौन सी टर्म्स? एक्सट्रीम टर्म्स. ओके. एंड द मिडल वन, जो टू टर्म्स है, टर्म टू और टर्म थ्री, दे आर कॉल्ड मीन टर्म्स. व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड मीन टर्म्स. एंड इफ टू रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, देन प्रोडक्ट of means is equals to product of extremes. Means mean term ka product, in dono ka product will equals to the product of the extreme terms. Okay, so this is the property of a proportion. Ye property bahut zyada use hoti hai beta to check whether the given ratios are in proportion. और मिसिंग टर्म ऑफ अ प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज करते हैं प्रोडक्ट ऑफ. आप प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं एंड यू कैन राइट इट आइदर वे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम टर्म्स ना लिखकर आई एम राइटिंग एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ proportion. Okay, now let's take the questions. So let's take question number 2. अब question number 2 में बेटा हमें check करना है कि जो ये statement दी हुई है कि दोनों ratios जो हैं वो किसमें है? Proportion में. Whether it is correct or not. तो इस केस में हम क्या करेंगे? दोनों ही रेशियोज को सॉल्व करके देखेंगे. इफ देयर वैल्यूज आर इक्वल, दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन. ओके, सो 5/10. 5:10 का मतलब 5/10. इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. 5/10 है, 5 1 5, 5 2 10, सो दैट इज 1:2. सो लेट्स फाइंड आउट द अदर वन, 100/200. सो इसको भी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं बेटा. 20 से 20 कैंसिल और इसका भी आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 1:2. हेंस दीज टू आर सेम. That means their values are same. That means it is true. Why it is true? Because the both the ratios values is equal and hence they are forming a proportion. और जो ये लिखा है कि ये proportion है, it is correct. Hence it is true. Okay? Hope this is clear. Okay students, question number 2, 10th part. It is same as we have done the previous one. उसमें भी क्या था? एक रेशियो गिवन थी और अनदर रेशियो गिवन थी, बीच में प्रोपोर्शन का साइन था. अब यहाँ पर इक्वालिटी का साइन है. दैट ऑल्सो मीन्स कि ये बता रहा है कि ये वाली जो रेशियो है इस रेशियो के प्रोपोर्शनल है. हमने चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. तो दोनों ही रेशियोज को सेपरेटली सॉल्व करेंगे. इफ देयर वैल्यूज आर सेम, दैट मीन्स दीज आर इक्वलेंट, दीज आर प्रोपोर्शनल. ओके, हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब Now you can see the difference between the units. मैंने आपको बोला था रेशियो को सॉल्व करने के लिए उनके यूनिट सेम होने चाहिए. अगर सेम नहीं है तो हम सेम कर लेंगे. बट हियर यू कैन सी डेज और वीक में है, यहाँ मिनट्स और आर मिनट्स में है. तो बेटा जो दो रेशियो प्रोपोर्शन में है उनके यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं.
वीक और डे में है हम दोनों को डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट्स फाइन. या मिनट्स में है, आर एन मिनट्स में, हम मिनट्स में कर लेंगे बिकॉज मैंने आपको बताया था स्मॉलर यूनिट में करते हैं, वो हम इजिली कर लेंगे. बट दोनों में यूनिट का डिफरेंस हो सकता है, रेशियो की टर्म्स में नहीं होना चाहिए. टू रेशियो जो प्रपोर्शन में है उन दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस हो सकता है, बट उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. वन डे इज टू वन वीक, दैट मींस हमने किस में कन्वर्ट करना है, डे में, बिकॉज डे इज द स्मॉलर यूनिट. सो वन डे इज टू वन वीक इज इक्वल टू सेवन डेज. सो आवर रेशियोज वैल्यू इज वन अपॉन सेवन, बाय डे से डे कैंसल. ओके, सो 1 बाय 7 इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रेशियो. सेकेंड रेशियो इज 10 मिनट्स रेशियो 1 आर 10 मिनट्स. सो मिनट में हम रहने देंगे बिकॉज मिनट इज द स्मॉलर यूनिट देन आर. सो 10 मिनट्स इज टू 1 आर, दैट इज 60 मिनट प्लस 10 मिनट्स जो ऑलरेडी इसमें 10 मिनट्स हैं. सो द रेशियो विल बी 10 मिनट्स रेशियो 60 प्लस 10, दैट इज 17 मिनट्स. नाउ अब यूनिट से यूनिट कैंसिल कर देते हैं, इट विल बी 10 ओवर 70. जीरो से जीरो कैंसिल, इसकी भी वैल्यू क्या आई है, 1 बाय 7. देयर फोर 1 बाय 7 इज इक्वल टू 1 बाय 7, दोनों ही इक्वल है दोनों की वैल्यू. Hence, these are in proportion. Hence, it is true. So, the given statement है वो true है. ये दोनों ratio are forming a proportion. If the value of first ratio is not equal to the value of the second ratio, then we can write that it is not equal. Not equal to का sign आ जाएगा and we will write hence it is false. Okay? Hope this is clear. Let's take the another one. ओके बेटा, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. 7 ए ए एंड 63 आर इन प्रोपोर्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. ओके, ये चारों टर्म्स जो हैं वो किस में है, प्रोपोर्शन में है. सो हाउ वी विल राइट इट, 7 इज टू ए प्रोपोर्शनल ए इज टू 63. सो दिस इज द वे टू राइट अ प्रोपोर्शन. सो प्रोपोर्शन हमने लिख दिया बेटा. अब हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए. आई हैव टोल्ड यू दैट द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो प्रॉपर्टी है हम यूज करेंगे अगर आपको टर्म्स प्रोपोर्शन में दी हुई हैं और उसमें कोई भी एक टर्म मिसिंग है या दोनों टर्म मिसिंग है, उस केस में हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. नाउ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दैट मीन्स मीन टर्म्स. तो मीन्स कौन सी है, ए एंड ए, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम मीन्स दिस वन एंड दिस वन, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म. सो दैट विल बी 7 इंटू 63. नाउ ए इंटू ए इज ए स्क्वायर. नाउ 7 इंटू 63 इज मल्टीप्लाई करेंगे, 7 थ्री जा 21, वी लेफ्ट विथ 2. 7 सिक्स जा 42, विल एड 2, दैट बिकम्स 44. सो 441. आप अपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा ए की, बट यहां पर है ए स्क्वायर. मैंने आपको पहले ही बताया है जब आपका एक साइड पे स्क्वायर हो और दूसरी साइड पे सिर्फ नंबर हो, इन दैट केस आपने दोनों ही टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो दैट हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. सो ए स्क्वायर है यहां पर. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि जो 441 है ये किसका स्क्वायर है. यू विल डू इट बाय फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स, उनके पेयर बना के यू विल फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ दिस. किसका स्क्वायर है ये 441. सो इट इज द स्क्वायर ऑफ 21. सो आई विल राइट इट एज 21 इंटू 21. सो इट बिकम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, सो ए'ज वैल्यू इज 21. होप दिस इज क्लियर. क्या था बेटा, टर्म्स मिसिंग थी प्रोपोर्शन में, तो हमने प्रॉपर्टी लगाई प्रोपोर्शन की. क्या
क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. हमने प्रोडक्ट करके वैल्यू फाइंड आउट कर ली है मिसिंग टर्म की. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. आई हैव कवर्ड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस असाइनमेंट एंड आई विल सेंड द पीडीएफ ऑफ असाइनमेंट 10.2 अलॉन्ग विद दिस वीडियो. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट. ओके, गुड लक.